Today I am going to teach you about the um, poem another poem by Kamala Das that is the punishment in kindergarten. And uh, yesterday, so uh, as yesterday, kids uh, students have asked me to explain it in Hindi also because they must be having some problems. so today i am going to explain it in hindi also so first of all i would like to recite the lines today the world this poem is by kamla das and it is in three parts so take it as a three parts ye kamla das dwara wo poem hai aur ye teen part mein aap isko samjhiyega Kamla Das के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं Kamla Das एक इंडियन uh, uh, Anglo इंडियन uh, writer हैं पोइट हैं पोइटिस हैं और वो बहुत ही अच्छा लिखती हैं प्लस उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फेमिनिस्ट हैं और बहुत ही कन्फेशनल है फेमिनिस्ट होना मतलब औरतों के राइट्स के बारे में लिखती हैं औरतों को कैसे पेट्रिया के सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी में कैसे दबाया जाता है इसके बारे में लिखती हैं और कन्फेशनल है मतलब अपने अच्छा कन्फेशन करते हैं ना तो अपना अच्छा बुरा जो है बोल देते हैं अपना पश्चाताप करते जैसे करते हैं तो हम अपने बारे में बोल देते हैं कि हमने ये गलत किया है तो वो कन्फेशनल है वो अपने बारे में बोल देती है, करती है। तो उन्होंने इस वक्त उन्होंने अपने बारे में अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताया और अपने बचपन के कैसे बीता उसके बारे में बताया है और इसको तीन पार्ट में बताया है वो एक दिन के बारे में बता रही है या एक कुछ समय काल के बारे में बता रही है किंडर पनिशमेंट का मतलब तो होता है सज़ा और किंडर का मतलब के जी क्लास किन के जी क्लास जो बोलते हैं के जी के डॉट सी जी बोलते हैं ना के जी क्लास में हो वो के जी क्लास का मतलब होता है किंडर होता है उसका फुल फॉर्म किंडर होता है तो वो कहती है टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माय ओन नो नीड टू रिमेंबर द पेन अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन कॉज थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पैन टू ड्रेन द हनी कलर डे ऑफ पीस वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स वाई अ पर्कुलर चाइल्ड यू आर ऐसा होता है कि वो कह रही होती है कि आज तो दुनिया बहुत सारी मेरी अपनी है क्योंकि आज मैं बड़ी हो गई हूँ अब जब ये आप सुनते हैं पहली लाइन तो आप समझ जाइए कि वो अपने बचपन के बारे में पीछे बात कर रही हैं तो वो कहती हैं आज तो दुनिया मेरी बहुत कुछ अपनी हो गई है आज तो मेरे मेरा दुनिया की मैं ही रानी हूँ लेकिन एक दिन था एक ज़माना था और मुझे अब नहीं याद करने की ज़रूरत है उस ज़माने की उस दिन की जो एक ज़माना मेरा बीता है एक्चुअली उनके साथ बहुत बुरा बीता उनका बचपन जो बहुत ही खूबसूरत बीत सकता था उनके बचपन के दिन ख़राब हुए क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल में थे जहाँ की टीचर उनको हमेशा डांटती फटकारती रहती थी कमला दास ने एक बात नोट करने वाली है ये उन लोगों के लिए एक सबक भी सिखाया है उन्होंने बताया है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए बच्चों का मन कितना नाजुक होता है और अगर आप बच्चों को बुरी तरह से ट्रीट करेंगे तो उसकी जो बुरी यादें हैं वो हमेशा बाद तक भी रह जाती हैं वो कहती हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है अब हमें इस वक्त ये सब बातें याद रखने की मगर फिर भी मुझे आज याद आता है कि कैसे एक ब्लू फ्रॉक पहने हुए एक औरत जो थी वो किस तरह से मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाती थी ऐसा लगता था उसके बाद मुझे जैसे कोई मुझ पर बर्तन फेंक रहा हो पॉट्स एंड पैन कोई मेरे पास बर्तन फेंक फेंक के मार रहा हो इस तरह से उसकी बोली मुझे मारती थी और द हनी कलर डे ऑफ पीस वाई डोंट ही जॉइन वो कहती है कि मेरा और उसने सारा मेरा जो खुश खूबसूरत दिन था जो हनी कलर्ड मतलब गोल्डन डेज हनी जो होती है गोल्डन कलर की होती है तो गोल्डन डेज जैसे हम कहते हैं ना हमारे बचपन बहुत गोल्डन डेज होता है तो वो ये कहती है कि हनी कलर मेरे जो गोल्डन ड्रेस थे उसको कैसे उसने स्पॉइल किया और हर वक्त मुझे कहती रहती थी व्हाट अ पिक्यूलियर चाइल्ड यू आर किस तरह की घटिया बेकार की बच्ची हो तुम किस तरह की बच्ची हो वो उसको हमेशा इस बात पर डांटती थी कि तुम सारे बच्चों से मिक्सअप क्यों नहीं होती और कमला दास किसी से बचपन में मिक्सअप नहीं होती थी और ना ही बच्चे उससे मिक्सअप होते थे तो वो हमेशा उसको इस बात पर बहुत झाड़ भी होती थी डांट रही होती थी कि तुम क्यों नहीं मिक्सअप होती हो और फिर वो दूसरा इवेंट याद करती है कि ऑन लॉन और वो दूसरा इवेंट याद करके कहती है कि On the lawn in just a minute huh on the lawn in clusters sat my schoolmates sipping sugar cane, they turned and laughed children's a funny thing they laugh in myth at as the others as year I buried my face in the sun warm hedge and small the smells the flower and the paint वो कहती है कि लॉन में हम लोग बैठे थे पिकनिक थी पिकनिक का टाइम था और हम क्लस्टर बैठे से गोल गोल करके नहीं बैठे गोला बना बना के बच्चे बैठते वैसे हम क्लस्टर में बैठे थे क्लस्टर का मतलब झुंड भी होता है गुच्छे होता है हम क्लस्टर में बैठे थे हमारे स्कूल मेट सारे क्लस्टर में बैठे थे और वो लोग अपने बॉटल से शुगर कैन पी रहे थे शुगर कैन का जूस होता है ना तो वो शुगर कैन अपनी बॉटल से पी रहे थे और वो लोग जैसे जैसे पी रहे थे वो हंस रहे थे और पलट पलट के मेरी तरफ देख रहे थे क्योंकि मुझे डांट पड़ती थी और मुझे डांट पड़ गई थी तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे होता ना हमें किसी कहते, को तेरे भाई साहब को डांट पड़ गई आज तो खूब हंसते हैं उसको देख देख के तो उसे जलील महसूस हो रहा था अब उसकी तरफ पलट पलट के देख रहे थे हंस रहे थे बार बार बच्चे तो वो कहती कि बच्चे भी कितनी अजीब चीज़ और फ़नी चीज़ होते हैं ना वो किसी के आंसू पे भी रोते हैं और वो बेचारी रो रही थी आंसू से तो वो उसको देख देख के हंस भी रहे थे और फिर कहती कि मैंने हंस रोते रोते अपना चेहरा छुपा लिया हैज मतलब होता है बुश मतलब झाड़ियाँ तो वो कहती है कि मैंने धूप में बैठी थी मैं मैंने अपना चेहरा झाड़ी जैसे बीच में पार्टीशन के लिए झाड़ी नहीं लगाते हमारे कॉलेज में भी है झाड़ियों का बाण बनाते हैं तो वो कहती है कि उसी हैजे मैंने अपना चेहरा छुपा लिया और मुझे अपने दर्द की भी सुगंध आ रही थी और अपने फूलों की भी खुशबू आ रही थी क्योंकि उसने चेहरा अपना झाड़ियों में छुपाया था वो फूलों की भी कोई झाड़ी हो सकती है तो उसको अपने दर्द की भी स्मेल आ रही थी और अपने फूलों की भी खुशबू आ रही थी अब वो अपने विथा बता रही थी पैनिक डेज की जो उनके बचपन के दिन बहुत बुरे बीते किसी एक लेडी एक टीचर के वजह से जिसने उसको डांटा वो एक तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी को भी रीड कर रही हैं कि बच्चों को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए बच्चों से ताकि उनकी बहुत बुरी यादें उनको बाद तक रहती है थर्ड पैराग्राफ में वो कहती हैं द वर्ड्स आर मफिल्ड नाउ द लाफिंग फेस ओनली अ ब्लर द ईयर्स है स्पीड अ लॉन्ग स्टॉपिंग ब्रीफली एट बिलव इड हाल्ट एंड मूविंग सैडली ऑन वो कहती है कि अब तो वो सब वक्त बीत गया है और अब जो हंसी है सब ब्लर हो गई मतलब अब इतने चेहरे वो हंसते हुए चेहरे मेरे आंखों के सामने सब धुंधले भी पड़ गए मतलब तो बहुत समय बीत गया मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ अब अब मैं क्योंकि अडल्ट हो गई हूँ मेरा बच मैं छोटी बच्च बच्ची नहीं रही तो मुझे वो सब चेहरे भी याद नहीं जो हंसते थे मेरे ऊपर द ईयर हैंग स्पीड बहुत तेजी से सात साल बीत गया स्टॉपिंग ब्रीफली एट बिलेवल्ड हेल्ट एंड मूविंग सैडली ऑन कभी कभी इस दर्द मुझे उभर आता है याद आ जाता है माई माइंड हैज़ फाउट एन अडल्ट पीस लेकिन अब मेरे दिमाग ने फाउंड कर लिया है दिल ने मान लिया है मुझे मैं बड़ी हो गई हूँ मुझे अब सुकून मिल गया है कि मैं अपने अपनी जगह की अपने दिल की अपने दिमाग की अपनी दुनिया की खुद रानी हूँ नो नीड टू रिम्बर डैट पिकनिक डे वेन आई लेडन बाय आच अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं वो अपने आपको समझा के कहती हैं कि अब तो मेरा सब कुछ हो गया मेरे पास तो सब कुछ हो गया मैं बड़ी हो गई मेरे आप दिन रात मेरे हैं मुझे अब कोई ऐसे डांटता नहीं है मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब वो चेहरे भी धुंधले हो गए मगर अब मुझे कोई जरूरत भी नहीं है इन सब चीज़ों को याद रखने की उस पिकनिक के दिन को याद रखने के लिए जिस दिन मैंने अपना चेहरा हेज में छुपाया था और रोई थी वॉचिंग द स्टील वाइट सन स्टैंडिंग डोनी इन द स्काई और वो कहती है कि मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं उस वक्त का याद करने की जब मैंने अपना चेहरा अपने है उसमें ब्रांचेस में छुपाया था वो बुश में छुपा लिया था और एक स्टील वाइट सन मतलब तेज़ धूप में दोपहर के नून में मैं खड़ी होती थी और मैं खड़े खड़े अकेले रोती रहती थी और आसमान को देखते देखते अब मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं उस वक्त को याद करने की तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो एक तरह से इसको कमेंट भी कर रही हैं चाइल्ड के लिए कि किसी बच्चे के साथ इतना बुरा ना करें कि उसे बाद में याद रहे एक तरह से वो अपने बारे में कन्फेशन भी कर रही है, बता भी रही हैं कि मेरे बचपन में मेरा कितना बुरा दिन बीता है अपनी ऑटोबायोग्राफी भी बता रही हैं अपना बचपन के दिन बता रही हैं तो ये सब पढ़ने के बाद हमारे मन में पोएटर्स के लिए थोड़ा सा कभी दर्द भी मोहब्बत भी प्यार भी और कभी कभी लगाव भी और कभी कभी एम्पेथी भी फील होती है हम भी याद करते हैं अपने बचपन में कभी कोई डांट देता है तो हमें याद रहता है कि उसने हमें इतना डांटती थी, थी वो मैडम या कोई प्यार करता है तो हमें याद है तो वो ये कहना चाह रही है कि बचपन की यादें साथ रहती हैं इसलिए एक बेटर एक अच्छा रवैया करना चाहिए एक तरह से सीख मिलती है हमें कि बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रवैया करना चाहिए थैंक यू वेरी मच अगर आपको समझ में आ गया तो बताइए अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो प्लीज़ यू कैन आस्क